हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक्चुअली हम किसी और वीडियो पे काम कर रहे थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ गई, इसलिए हम इस वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को निकाला गया है, जो कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए है। तो इंडियन एयरफोर्स की RFI में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को रखा गया है, जो कि मीडियम कैटेगरी का होने वाला है और ये 18 से 30 टन कार्गो को कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मेक इन इंडिया की मांग करी गई है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही बनाया जाएगा और समय के साथ साथ जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल नंबर्स को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की क्वेरी यहाँ पर है, ऐसा लगता है ये नंबर 40 से 80 एयरक्राफ्ट के आसपास के हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रोक्योरमेंट होगा, वहाँ पर भी हम वही ट्रेंड देख सकते हैं जैसा कि C295 की डील में हमने देखा है। जो इनिशियल बैच के एयरक्राफ्ट हैं, ये ऑफ द शेल्फ ले लिए गए हैं और बाकी एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाए जाएंगे। सिमिलर पैटर्न हम यहाँ पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें, तो इंडिया द्वारा इस चीज पर कई सालों से काम किया जा रहा है। इवन इंडिया और रशिया द्वारा एक जॉइंट MTA प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, जिसकी अनाउंसमेंट 2009 में ही आ गई थी, लेकिन अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करना पड़ा और हमारे पास ऑप्शंस कोई बचा नहीं। तो इस अनाउंसमेंट को 14 साल हो रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इंडिजिनसली ऐसे प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट को ड्रॉप कर चुकी है। अब वो एक फॉरेन एयरक्राफ्ट चाहते हैं, लेकिन वहाँ ये ज़रूर इंश्योर करना चाहते हैं कि वो एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, साथ में उसका सारा सपोर्ट और इकोसिस्टम इंडिया में ही अवेलेबल हो और किसी और पर इस एयरक्राफ्ट को लेकर इंडिया की डिपेंडेबिलिटी ना हो, जो कि सबसे लॉजिकल मूव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो RFI में जो रिक्वायरमेंट बताई गई है, ये 18 से 30 टन की है, यानी कि 18 से 30 टन के आसपास की है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से एयरक्राफ्ट आते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनको कंपेयर भी करेंगे। अल्टीमेटली हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म के चांसेस यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अगर आप 18 से 30 टन कार्गो कैरिंग कैपेसिटी में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मेनली चार एयरक्राफ्ट दिखेंगे जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पहला एयरबस का A400M है, दूसरा लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हर्क्यूलीज है, तीसरा एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम है और चौथा जापानीज कावासाकी C-2 है। तो इन चारों प्लेटफॉर्म में से जो C-130 सुपर हर्क्यूलीज है, ये इंडियन एयरफोर्स के साथ पहले से ही सर्विस में है। करीबन 12 के नंबर में इन एयरक्राफ्ट को हम पहले से ऑपरेट करते हैं। तो हमारे द्वारा ये स्पेशल ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। इनमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी है, साथ ही साथ ये रफ रनवेज में भी आराम से लैंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं स्पेसिफिकेशन पर और शुरुआत करते हैं एयरबस के A400M से। तो एयरबस का A400M एटलस एयरक्राफ्ट 2013 से ही सर्विस में है और ये यूरोपियन कंट्रीज द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसमें जर्मन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स के साथ साथ रॉयल एयरफोर्स भी इसकी ऑपरेटर है। तो फिलहाल के लिए इस एयरक्राफ्ट के अराउंड 180 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए गए हैं और इनकी जो डिलीवरीज हैं ये ऑनगोइंग है और अराउंड 110 एयरक्राफ्ट पहले से ही डिलीवर किए जा चुके हैं। तो इस एयरक्राफ्ट की कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 37 टन के आसपास ये कार्गो को कैरी कर सकता है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम पेलोड के साथ जो रेंज है, ये 3300 किलोमीटर की मिल जाती है और जो सर्विस एल्टीट्यूड है, ये आपको मैक्सिमम 40,000 फीट की मिल जाती है, जो कि करीबन 12,200 मीटर के आसपास की है। तो यहाँ पर करीबन 4 टर्बोप्रॉप इंजन यूज होते हैं, जो कि 11,000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो सर्वाइबिलिटी यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की ज़्यादा बेहतर है। मैक्सिमम स्पीड आपको यहाँ पर अराउंड 800 किलोमीटर पर आर के आसपास की मिल जाती है और ये उसी स्पीड पर क्रूज भी कर सकता है। तो स्पेसिफिकेशन में ये वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब प्राइस की बात आती है तो ये उतना ही महंगा भी है। तो यहाँ पर हम 2021 के रेट को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं और उसके हिसाब से इसका पर यूनिट प्राइस अराउंड 141 मिलियन डॉलर्स के आसपास का है, जो कि इसे काफ़ी एक्सपेंसिव बनाता है, ऑल दो ये कैपेबल भी उतना ही है। बाकी जब इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट की बात आती है इंडिया में, तो एयरबस यहाँ पर कितनी विलिंग होगी, ये भी फिलहाल के लिए क्वेश्चनेबल है। ऑल दो एयरबस का एक एयरक्राफ्ट हम अपनी कंट्री में ही बना रहे हैं, जो कि C-295 है, तो एयरबस की प्रेजेंस इंडिया में पहले से ही एग्जिस्ट करती है। बाकी क्योंकि ऑर्डर संख्या यहाँ पर 40 से 80 हो सकती है, तो एयरबस का इंटरेस्ट जो है यहाँ पर ज़रूर आएगा। अगले प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो कंटेंडर है, ये जापानीज कावासाकी C-2 है, इसे हम बेबी ग्लोबमास्टर भी कह देते हैं। तो ये दिखने में C-17 ग्लोबमास्टर 3 की तरह दिखता है, पर उससे साइज में काफ़ी छोटा है।
अगर आप इसका साइज कंपेयर करेंगे एयरबस के A400 से तो यहाँ पर उससे लंबाई थोड़ी सी कम है और विंग स्पैन थोड़ा सा कम है। और ये एयरबस के 4 टर्बोप्रॉप इंजन के मुकाबले 2 ही जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोफैन इंजन को यूज करता है। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ये अराउंड 3710 की मिल जाती है, जो कि इक्विवेलेंट है एयरबस A400 की कैरिंग कैपेसिटी के। बाकी स्पीड यहाँ पर एयरबस A400 से थोड़ी ज़्यादा मिलती है, अराउंड 920 किलोमीटर पर आर की, और क्रूजिंग स्पीड अराउंड 900 किलोमीटर पर आर की। पर रेंज के मामले में ये एयरबस A400 से काफ़ी आगे है। ये अपने पूरे पेलोड में करीबन 4500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज दे देता है, वहीं पर जो एयरबस है ये अपने पूरे पेलोड के साथ खाली 3300 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराता है। तो मैक्सिमम सर्विस एल्टीट्यूड जो है वो यहाँ पर आपको 43,000 फीट का मिल जाता है, जो कि रफली 13,100 मीटर का है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज हर मामले में कावासाकी C2 एयरबस के A400M से बेहतर है। खाली सर्वाइबिलिटी के मामले में एयरबस का A400 बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर 2 के मुकाबले 4 इंजन है। पर जब प्राइस की बात आती है तो इसका प्राइस भी उसी के हिसाब से ज़्यादा है। तो 2016 में इसका प्राइस कैलकुलेट किया गया था, जो कि पर यूनिट $136 मिलियन का था, लेकिन वो 2016 का प्राइस था। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़कर यही चीज 2021 के प्राइस में देखेंगे, जैसा कि हमने A400 के केस में देखा था, तो ये $153 मिलियन पड़ जाता है, जो कि इसको एयरबस A400 से भी एक्सपेंसिव बनाता है। बाकी ये एयरक्राफ्ट खाली जापान द्वारा ही यूज किए जाते हैं और अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किए गए हैं, ऑल्दो कोशिश करी जा रही है इनको एक्सपोर्ट करने की। तो खाली 15 ही एयरक्राफ्ट अभी तक बनाए गए हैं, और क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट की कोशिश करी जा रही है और बड़े ऑर्डर्स को देखने की कोशिश करी जा रही है, तो प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है, पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी मूव करते हैं अगले एयरक्राफ्ट पर, तो ये लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरक्यूलीज है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसका जो C-130J-30 सुपर हरक्यूलीज वेरियंट है ये हमारे साथ सर्विस में है, और करीबन 12 ऐसे एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करते हैं। तो ये बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है जैसा कि हम जानते हैं, और ये 99 से ही सर्विस में है और करीबन 500 के आसपास पहले से ही प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। तो एयरबस A400 की तरह ये भी 4 टर्बोप्रॉप इंजन को यूज करता है, पर साइज वाइज और कैरिंग कैपेसिटी में उससे काफ़ी नीचे है। तो इसकी जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ये 20 टन के आसपास की बताई जाती है, जो कि एयरबस और C2 के 37 टन से काफ़ी नीचे है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जो RFI रिक्वायरमेंट है उसमें आती है, जो कि 18 टन की मिनिमम बताई गई है। तो ये एक काफ़ी वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जैसा कि हम जानते हैं, और इसे डिफरेंट रोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 670 किलोमीटर पर आर की मिलेगी, जो कि पहले डिस्कस किए गए 2 एयरक्राफ्ट से कम है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है ये भी 15 टन पेलोड के साथ 3300 किलोमीटर की है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग यहाँ पर है ये आपको 8,500 मीटर की मिलती है, जो कि पहले डिस्कस किए गए दोनों एयरक्राफ्ट से कम है। तो ये एक काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेगी। वहीं पर प्राइस की बात करें तो 2017 में इसका प्राइस अराउंड $75.5 मिलियन पर पीस बताया गया था, जो कि 2021 में बढ़कर $85 मिलियन का हो जाता है, जो कि पहले 2 एयरक्राफ्ट हमने डिस्कस किए उनसे काफ़ी कम है। बाकी प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट की यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स पहले से ही इंडिया में बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ से मूव करते हैं अपने लास्ट एयरक्राफ्ट पर, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा नज़र आती है। तो ये एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट है, इस पर हम डिटेल में भी वीडियो बना चुके हैं। तो एम्ब्रेयर द्वारा ये चीज़ पास्ट में कोट करी गई है कि वो इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में शिफ्ट करने के लिए पहले से ही। तो 2019 से ही ये एयरक्राफ्ट सर्विस में है और खाली 8 ही एयरक्राफ्ट अभी तक ये बनाए गए हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 988 किलोमीटर पर आर की बताई जाती है, और जो क्रूजिंग स्पीड है ये ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर पर आर की है। तो स्पीड के मामले में इसकी परफॉर्मेंस कावासाकी C2 से कंपेरेबल है। पर साइज में ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली एयरबस A400 और कावासाकी C2 से छोटा है, वहीं पर कंपेरेबल है C-130 सुपर हरक्यूलीज के। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी मिलती है ये अराउंड 26 टन की है, जो कि C-130J सुपर हरक्यूलीज से ज़्यादा है और एयरबस A400 और कावासाकी C2 से कम है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट पर फिट बैठती है, जो कि 18 से 30 टन की मांगी गई है। बाकी जो मैक्सिमम रेंज है पूरे पेलोड के साथ, यानी कि 26 टन पेलोड के साथ, ये अराउंड 2100 किलोमीटर की है, जो कि अगेन एयरबस और कावासाकी C2 के कंपैरिजन में कम है।
और हरक्यूलिस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 14 टन का पेलोड दिया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट 5800 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देता है, और जो हरक्यूलिस है ये उतने ही पेलोड के साथ खाली 3200 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराता है। बाकी सर्विस सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 36,000 फीट की सर्विस सेलिंग मिल जाती है, जो कि 11,000 मीटर है, और ये एयरबस A400 और कवासाकी C2 से तो कम है पर हरक्यूलिस की सर्विस सेलिंग से ज़्यादा है। बाकी जो यहाँ पर यूनिट प्राइस है 2021 के हिसाब से ये $85 मिलियन है, जो कि इसको इक्वलेंट बनाता है C-130 सुपर हरक्यूलिस के कॉस्ट के, और उसी कॉस्ट में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलती है। तो ये एयरक्राफ्ट बाकी चारों के कंपैरिजन में हमारी रिक्वायरमेंट को परफेक्टली सूट करता है। और दो अगर आप बेस्ट एयरक्राफ्ट की बात करेंगे परफॉर्मेंस वाइज तो ये कवासाकी का C2 है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।